हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में। यानी इंटरफेस, जब आप पहली बार प्रीमियर प्रो को आप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का लुक आता है। जरूरी नहीं जब आप काम कर रहे हो, जो सॉफ्टवेयर पहली बार ही ओपन कर रहे हो, सकता पहले से उस सॉफ्टवेयर पर कोई काम कर रहा हो तो उसका इंटरफेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। दुनिया का सबसे इजी और सबसे ज्यादा मूव करने वाला या कस्टमाइज करने वाला इंटरफेस है। यानी आप इसमें किसी भी टाइप का कुछ भी इंटरफेस चेंज कर सकते हो अपनी आवश्यकता अनुसार। यही इसके सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। जिनको इसके बारे में वर्क स्पेस के बारे में नॉलेज है, उनके लिए सबसे इजी काम है और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो इसको किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनको इसके बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है या जानकारी कम रखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी है, क्योंकि हर विंडो आपको अगले टाइम जब ओपन करेंगे, जरूरी नहीं कि उसको आपको उसी लोकेशन पर मिले। हो सकता है उसका लोकेशन चेंज हो, या हो सकता है किसी और विंडो के साथ एडजस्ट किया गया हो, किसी अन्य लोकेशन पर भी हो सकता है, वो ऑफ हो सकता है या कहीं और मूव हो सकता है। तो इसमें मेन तौर से 5-6 प्रकार की विंडोज आपको मिलती हैं। सबसे पहला आपको मिलता है प्रोजेक्ट विंडो, सोर्स विंडो, प्रोग्राम विंडो एंड इन्फो विंडो, टाइमलाइन विंडो, टूल और ऑडियो मीटर। ये मुख्य रूप से 6 या 7 तरीके की विंडोज इसमें आपको मिलेंगी। 6 या 7 हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर विंडो की संख्या चेंज भी हो सकती है। आप अपने पैनल को एक विंडो के रूप में भी ला सकते हैं, इसलिए हम आपकी संख्या फिक्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बार आपको नया विंडो भी मिल सकती है। लेकिन मेन तौर से इतनी विंडो पे ही काम होता है। इस वर्कफ्लो में इन विंडो के एडजस्टमेंट के बारे में हम आगे ट्यूटोरियल में भी बताएंगे, कैसे इनको मैनेज करेंगे, कैसे इनको क्या करते हैं, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिलहाल हम आपको बताते हैं ये जो विंडो आपके सामने लुक एंड फील है, इसमें जो है हम कैसे चेंजेस करते हैं। मेन तौर से यहाँ पर जो पार्टीशन आपको दिख रहे हैं, ये आपने माउस के को जब आप इस पार्टीशन के बीच में लेके जाएंगे किसी भी एरिया में, तो आपके माउस का शेप चेंज हो जाता है। जिस हिसाब से शेप चेंज होगा, वहाँ पर आपको जब माउस शेप चेंज होगा वहाँ पर 2 एरो आपको दिखेंगे, अप एंड डाउन या लेफ्ट एंड राइट। जैसे अपने अभी यहाँ पर, इसका मतलब है हम इसको ऊपर और नीचे की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। यदि हमने अपने माउस को हमने यहाँ रखा है तो इसका मतलब है लेफ्ट एंड राइट आपको एरो दिखा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको लेफ्ट टू राइट एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने कहीं माउस को अपने कॉर्नर पर लेके आ गए हैं किसी 3 विंडो के, तो आपको यहाँ पर 4 एरो दिखेंगे, तो इसको आप पूरे वर्क फ्लो को अपने हिसाब से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस हिसाब से जब आपको 4 आइकन आपको एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इस तरीके से आप किसी भी विंडो को अपनी आवश्यकता अनुसार बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। ये देख रहे हैं इस तरीके से, कहीं पर भी आप इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही इसके सबसे बड़ी ताकत है और यही सबसे बड़ी इसकी कमजोरी है। इस तरीके से आप, यदि आपको विजुअल अच्छा देखना है तो विजुअल ये प्रोजेक्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर विजुअल संख्या होती है। यदि आपको टाइमलाइन पे काम करना है तो टाइमलाइन को छोटा बड़ा करना है तो आप टाइमलाइन पैनल को आप बड़ा कर लीजिए। यदि आपको यहाँ प्रोग्राम मॉनिटर को बड़ा करके देखना है तो उसको आप इस तरीके से बड़ा कर लीजिए। तो कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने मिले हैं, इनको आप अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा करके किसी भी विंडो को कभी भी छोटा बड़ा किया जा सकता है और उसमें कार्य किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आप किसी भी विंडो को छोटा बड़ा करके आप अपने वर्क फ्लो को या वर्क स्पेस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड ऑप्शन जो आपको विंडो में पाए जाते हैं, विंडो मेनू में सारे ऑप्शन इस पैनल्स के बारे में दिए गए हैं। यदि किसी भी को आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इनको ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो मेन जो आपके पैनल्स हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पर A1, 2, Shift 9, Shift 5, Shift 4, 7, Shift 8, ये कुछ पैनल्स हैं, उनको ओपन या क्लोज करने के लिए शॉर्टकट यहाँ पर दिए गए हैं। इनका यूटिलाइज करके आप उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। टिक का मतलब है वो ऑन है, ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये जो बाय डिफॉल्ट आपको टिक मिलते हैं, इनको आप ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। इनको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, जो मेन जो आपके टूल्स हैं उनको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उनको आप क्लोज नहीं कर सकते। इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको अगले ट्यूटोरियल्स बताएंगे। वर्क स्पेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम और डीपली आपको बताते हैं। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल
एंड हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।